साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र, जोग का मान, द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए, पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार का ही नाम अंतिम संस्कार है, जो 16 संस्कारों में एक प्रमुख इसका अंतिम संस्कार नाम है। यह संस्कार हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। यह अंतिम संस्कार होता है। यह संस्कार किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस मृतक के परिजनों द्वारा किया जाने वाला संस्कार होता है। आगे देखते हैं, यह हिंदू धर्म के अनुसार हिंदुओं द्वारा 16 संस्कार एवं विभिन्न चरणों में किए जाने वाले एवं धार्मिक संस्कार है। आमतौर पर यह संस्कार जो होता है, इस संस्कार में हिंदुओं को मरने के बाद अग्नि की चिता पर जलाया जाता है तथा उस मृतक को मृतक के परिजनों द्वारा मुखाग्नि दी जाती है और शव के जलने के बाद अस्थियां एकत्रित किया जाता है और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है। 13 दिन बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है और विभिन्न प्रकार के सामग्री भी दान में दी जाती है। विशेष तौर से हम लोग यह समझें, खास करके ब्राह्मण समुदाय को भोजनादि भी कराया जाता है। इस संस्कार को लोग दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, शमशान कर्म, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया आदि भी कहते हैं। इस संस्कार में मुख्य रूप से समझने की बात है कि ये नश्वर शरीर 5 प्रकार के तत्व से बना है और मृत्यु के उपरांत पंच तत्व में ही यह विलीन हो जाता है और उसके हवाले समर्पित कर दिया जाता है, अर्थात आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया जाता है। इस संस्कार में मृतक के पार्थिव शरीर को जलाया जाता है और कुछ प्रकार से हानिकारक जीवाणु से बचने के लिए मुंडन भी कराया जाता है। पंचक नक्षत्र में किसी की मृत्यु अशुभ माना जाता है। घनिष्ठा एवं उसके बाद और 4 नक्षत्र पंचक नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है कि इस नक्षत्र में मृत्यु होने पर शुभ या अशुभ में 5 गुणा शक्ति की वृद्धि हो जाती है। यह भी आपके मन में बात आती होगी कि मृतक को मरने के बाद क्या करनी चाहिए। सबसे पहले मृतक से उसके घर वालों को प्रेम के भरम में न पड़कर, यानी प्रेम को छोड़कर उस मृतक की मुक्ति के उपाय एवं ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया जो कि अनेक प्रकार के बिंदु हैं, अनेक प्रकार की विधियां और इनके रीतियों की चर्चा की गई है, अर्थात यह हम समझें कि जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर हम नए वस्त्र का धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जो है वह अजय अमर होता है। वह भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कुछ लोग अंतिम संस्कार में पार्थिव शरीर को दफनाते भी हैं, जैसे नाथ वर्ग, गोसाई वर्ग, बैरागी संत इत्यादि। दोनों रीति पाई जाती है। हिंदू धर्म में अनेक संस्कार के
यानी 16 संस्कार के बीच एक अंतिम संस्कार में कोई भी व्यक्ति यदि शामिल होता है तो उसे पुण्य कर्म बताया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित नियम एवं विधि हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना उसे शुभ कहा जाता है। पार्थिव शरीर के परिक्रमा के नियम हैं। दिशा ज्ञान जरूरी है। दाह संस्कार के नियम हैं। मुक्ति धाम के भी नियम हैं। मुंडन कार्य करना, पुण्य दान करना, पिंड दान करना और मृत्यु भोज करना, ये सब बातें गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताया गया है। एक ही वीडियो में गरुड़ पुराण की बातें, अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा करना और उसे बृहद रूप से समझना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्य बातें अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा किया गया है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो बार बार हमको व्हाट्सएप मैसेज करके तथा मैसेज करते करते परेशान भी समझे हैं कि हम करके उनको किए थे कि जल्दी डालिए जल्दी डालिए। इसलिए मैंने कोशिश किया कि ऐसे वीडियो को मैं बनाऊं और आप लोगों के सामने समर्पित करूं। अंत्येष्टि संस्कार 16 संस्कार में अंतिम संस्कार है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई बात लेकर उपस्थित होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने इष्ट मित्रों को बताना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।